जनपद संभल की चंदौसी में फेरी लगाकर सब्जी बेचने वाले के दो बच्चों जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में पहला और छठा स्थान प्राप्त किया, बच्चों को लोगों ने माला पहनाकर सम्मानित किया। आपको बताते हैं आज एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप भी मानने को तैयार हो जाएंगे कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। ऐसा ही कर दिखाया जनपद संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र के ग्राम गुमथल में रहने वाले सब्जी विक्रेता रामचरण के दो होनहार पुत्रों ने, जिन्होंने इस बार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में पहला और छठा स्थान प्राप्त किया। इन बच्चों की सफलता से खुश होकर गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में रहने वाले रोडवेज कर्मी अनिल कुमार मिश्रा और एडवोकेट अजय अग्रवाल ने इन बच्चों और उनके पिता को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि उनके पिता बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ा रहे हैं और वे उन भविष्य में बैंक कर्मी और IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। वहीं सम्मानित करने वाले अनिल कुमार मिश्रा और अजय अग्रवाल ने बताया, क्योंकि इनके पिता हमारी कॉलोनी में सब्जी बेचने का काम करते हैं और उनका व्यवहार ऐसा है कि इन बच्चों की सफलता पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये सफलता हमारे अपने बच्चों ने हासिल की है। जैसे मैंने संभल जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे पिताजी सब्जी बेचने का काम करते हैं, उन्हीं की मेहनत को देखकर मैंने ये काम हासिल किया है और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं भविष्य में एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कोशिश करूँगा। अच्छा, कौन सी परीक्षा में आपका पहला स्थान आया जनपद? यूपी बोर्ड माध्यमिक परीक्षा में मेरा पहला स्थान आया। हाई स्कूल की परीक्षा में? यस। अच्छा, आज आपको तेग बहादुर कॉलोनी के लोगों ने सम्मानित किया है, आपको, आपके पिताजी को, आपके भाई को, तो क्या सर महसूस कर रहे हो, क्या कहेंगे लोगों के लिए? इन लोगों ने मेरे पिताजी का व्यवहार और उनके कार्य कुशल को देखकर मेरे पिताजी को और हम दोनों भाइयों को बुलाया है सम्मानित करने के लिए। मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। बताया कि जब कोई भी बच्चा अगर तरक्की की ओर बढ़ता है, अच्छे नंबर लाता है, तो बड़ी खुशी होती है। अपना बच्चा है ये, रामचरण जी के दोनों बेटे हैं और रामचरण जी की आदत बहुत बढ़िया है, सब्जी बेचते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं और बच्चों ने जब सफलता पाई है तो ये खुशी की बात होती है। इसी खुशी के लिए हमने सोचा कि बच्चों को बुला के कुछ प्रोत्साहित किया जाए जिससे उन्हें भी कुछ हौसला अफजाई मिले और आगे बढ़ने का उनके अंदर वो हो। मैंने जिले में छठा स्थान प्राप्त किया, इसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बड़ा होकर बैंक अफसर बनना चाहता हूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी साइकिल से सब्जी बेचते हैं। कहाँ पर? चंदौसी में। तो आपको प्रेरणा उन्हीं से मिली कि मुझे ये काम नहीं करना और आगे भविष्य में बढ़ना है? हाँ जी। आज आपको तेग बहादुर कॉलोनी में जो सम्मान दिया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें सम्मान दिया। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ सब्जी बेचने आते हैं, कमाल की व्यवहारिकता है इनके, व्यवहार की बदौलत आज ये लग रहा है हमें कि ये हमारे बच्चों ने टॉप किया है। और मेन बात, इन बच्चों को भी मैं धन्यवाद, दिल से आशीर्वाद दूंगा, दुआ दूंगा कि ये अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, और खरे उतरे भी हैं। क्योंकि जिन बच्चों के मन में ये आता है कि हमारे माँ बाप हमें मेहनत से पढ़ा रहे हैं, वो माँ बाप का सपना साकार करते हैं। इनके पिताजी का इतना अच्छा व्यवहार रहा, लॉकडाउन पीरियड में भी इन्होंने पूरी कॉलोनी में जिसने जो बोला